फिर एलविश ने ऐसे सोचा कि यार ये सब लोग कर रहे हैं, हम भी तो कर सकते हैं। पहले तो ऐसा लगता था कि 1000 व्यूज भी आ गए ना तो बहुत बड़ी बात है, उसी को सेलिब्रेट कर लेते थे। जो सबसे बड़ा डर था वही फेस कर लिया, तो अब किस चीज से डरूं। पापा का ऐसा हुआ था ना, तब उसने मेरे को याद है एलविश को बोला था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तू बस इसको संभाल लियो। हेलो एवरीवन, दिस इज आईना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। आई एम विथ समवन टुडे जिसके पीछे इतनी क्यूरियोसिटी है, पीपल वांट टू नो हु इज शी, हाउ इज शी, एंड टुडे आई एम इन कॉन्वर्जेशन विद कीर्ति मेहरा। हेलो 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 गाइस, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच कीर्ति। आई वांट टू स्टार्ट ऑफ बाय आस्किंग यू दैट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो कि कीर्ति मेहरा कौन है एग्जैक्टली। आपके फैंस हैं ही जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू नो एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट यू। आपने कहा है कि यू नो एज अ क्रिएटर आपने कभी ये जर्नी सोची नहीं थी। यू थॉट दैट योर जर्नी विल बी वेरी रिलेटेड टू प्रॉबली डांस, एंड आपने कहा था अगर यूट्यूबर नहीं तो आप एक शेफ होती। तो ये क्रिएटर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और आपको कैसे पसंद आने लगा, क्योंकि आपको यूट्यूब पहले पसंद नहीं था। सो बचपन में ऐसा होता था कि मेरे को ना ड्राइंग का बहुत शौक था, तो मैंने सोचा फैशन डिज़ाइनिंग में जाती हूँ। तो मैं ऐसे कपड़े वगैरह ऐसे ड्रॉ करते ना देखती थी और सेम वैसे ही करते रहती थी। फिर मैंने बोला फैशन डिज़ाइनिंग में सब लोग जा रहे हैं, मैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में जाती हूँ। हाँ, तो मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करने लग गई कि चलो ज्वेलरी कर लेते हैं। फिर ऐसा पापा से पूछा कि क्या करना है क्या नहीं करना। पापा ने ऐसे चीज़ें थोड़ी नॉलेज में लाए और बताया कि इन सब चीज़ों में ना बहुत बजट लगता है। तो मैंने कहा हाँ लगता तो है, पर उस टाइम पे हमारा ऐसा था नहीं सिचुएशन कि वो बजट लगा पाते या मैं उस चीज़ में जा पाती। और खाने का ऐसे आया था कि पहले मुझे बचपन में शौक था, मम्मी जब खाना बनाती थी ना तो मैं भी साथ में ऐसे देखती रहती थी कि मैं भी रोटी बनाती हूँ। तो 4th या 6th क्लास से मुझे खाना बनाना आ गया था। तो मेरे मम्मी पापा ने सोचा था इसको मास्टर शेफ किड्स में भेज देते हैं, पर वहाँ पे भेजने भेजने तक का जो प्रोसेस था ना, वो पता चला कि मैं एज का जो गैप होता है ना कितने से इतने तक का, वो क्रॉस कर चुकी हूँ, तो अब मैं नहीं जा सकती। फिर वो भी ड्रॉप कर दिया कि चलो छोड़ो। फिर मैं कॉलेज में आई, कॉलेज में मैंने जो शुरू से डांस करती आती थी स्कूल टाइम से, मैं उसी में घुस गई डांस सोसाइटी में। मैं हंसराज की डांस सोसाइटी में थी जिसका नाम है ऊर्जा, काफ़ी लोगों को पता होगा, नॉर्थ कैंपस। तो मैंने वो ज्वाइन किया। फिर वो ज्वाइन करते करते मेरे को इंटरेस्ट आ गया फ्रेंच में, तो मैंने फ्रेंच क्लासेस ज्वाइन कर ली अपने कॉलेज में। फिर मैंने ऑलियंस है लोधी गार्डन में, वहाँ पे भी किया, पर उस टाइम पे दादाजी की डेथ हो गई थी तो वो मेरा कोर्स जो था एक लेवल तक छूट गया। मैंने सोचा था फ्रांस भाग जाऊँगी और वहाँ पे करूँगी। पर मैं जब घर पे आती थी ना, ये सारी चीज़ें करके मैं ये भी कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ, मेरा भाई सिर्फ यूट्यूब देखता था। कि उस टाइम पे आते थे टीन ट्रॉल्स, अभी पता नहीं मेरे को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट उस टाइम पे टीन ट्रॉल्स थे। तो मेरा भाई उनकी वीडियोस देखता रहता था, बोलता था कि मेरे को भी बनानी है तू भी बना, और ज़बरदस्ती ऐसे कि देख देख देख, बोलते थे मुझे नहीं देखनी मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है हटा दे, मैं किसी को नहीं देख सकती 10 मिनट बैठ के। पर मैं कॉलेज में आई और फिर हम लोग ऐसे ही एक बार LP में बैठे हुए थे, हम ऐसे ही फेसबुक पे वीडियोस देख रहे थे, तो फिर उसने डिसाइड किया कि बोल दूंगा सबको पता है। तो फिर एलविश ने ऐसे सोचा कि यार ये सब लोग कर रहे हैं, हम भी तो कर सकते हैं। तो हमने कहा हाँ कर सकते हैं। तो फिर वो घर गया, उसने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो डाल दी। फिर लड़की की ज़रूरत होती थी तो मैं सपोर्ट पहले करती थी, बट फिर जब लड़की की ज़रूरत पड़ने लग गई तो मैं आने लग गई। तो मेरे को तो ऐसा था कि हाँ उसको चाहिए तो मैं कर लेती हूँ, इंटरेस्ट हो या ना हो। तो उस चीज़ में आगे चलते गए चलते गए चलते गए, फिर मेरा ही इंटरेस्ट बन गया कि अब YouTube तो सब मम्मी पापा बोलते थे कि खाली नहीं बैठना, हाँ हाथ ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए तेरा हमेशा, हाँ तो या तो जॉब कर या कुछ भी कर, हमें तू चाहिए, हमें मत दे पैसे, हाँ पर तू खुद के लिए खड़ी हो जा बस। बिल्कुल तो उनको था तुझे YouTube करना है ना तो YouTube कर ले अच्छे से, पर फिर इसमें घुस जा पूरी। तो मेरे को लगा फैमिली जो स्टार्टिंग में व्यूज आते थे नहीं, व्यूज़ नहीं आते थे कितने पे, लाइक आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी ग्रोथ कैसी हुई, आप दोनों की एक्चुअली ग्रोथ कैसे हुई। पहले तो ऐसा लगता था कि 1000 व्यूज भी आ गए ना तो बहुत बड़ी बात है, उसी को सेलिब्रेट कर लेते थे। वाओ फिर 1.5 साल तक तो लगे ही हुए थे कि कुछ चल जाए चल जाए चल जाए।
फिर ऐसा हो गया एक टाइम पे कि नहीं चल रहा है कुछ भी. फिर वो भी अपसेट हो गया. फिर वो अवनीश वगैरह से मिला. उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक वीडियो बनाते हैं गुड फ्रेंड वर्सेस बेस्ट फ्रेंड ऐसे कुछ करके. तो वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई. मतलब फिर एक होता है ना मोटिवेशन मिल गया वापस से दोबारा, तो वो मिला और फिर दोबारा ऐसे पेस पकड़ लिया. फिर बनाते गए और मेरे पास ऑप्शन नहीं था. मैं जॉब तो कर नहीं सकती थी जो कि अभी मैं कर रही हूँ. हाँ उस टाइम पे मैं नहीं कर सकती थी. मेरे को ऐसा था मेरे को जॉब करनी ही नहीं है कुछ भी कर लो. क्यों ऐसा? Like 9 to 5 was not your scene, basically वो था. डेली जाके किसी को नमस्ते करना यही बोलती थी कि मैं जॉब नहीं हो पाएगी. हाँ. कुछ भी कर लूंगी जॉब नहीं करूंगी. तो जॉब बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया कि साइड ऑप्शन अब तो करना ही नहीं है इसको. अब यूट्यूब में आ गई हूँ तो यूट्यूब ही करना है. वरना जब मैं कॉलेज में आई थी मुझे आज भी याद है मेरा ना तो इंस्टा था ना मेरा स्नैपचैट था कुछ भी नहीं था 2015 में. मैं 18-19 साल की थी मेरे पास कुछ भी नहीं था. मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने इंस्टा और स्नैपचैट वगैरह ये सब डाउनलोड करवाया था कि आ जा प्लीज. तो मेरे को याद है कि 16 फॉलोअर थे मेरे पास और अभी 1 मिलियन. सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट. पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक क्रिएटर जर्नी में भी जाते हो बिकॉज लोगों को लगता है तभी एटलीस्ट लगता था कि पैसे सिर्फ जॉब करने से आएंगे. कभी ये प्रेशर था कि अरे अगर मैंने यूट्यूब एज करियर चूज़ किया तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू प्रॉब्ली अर्न मनी. एट वॉट पॉइंट डिड यू फील कि हाँ अभी अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, आई कैन मेक दिस माई करियर? ऑब्वियसली जब आपका चैनल एकदम इतना ज़्यादा ग्रो ना कर रहा हो ना तो दिमाग में आता है कि यार पैसे तो चाहिए ना, घर तो चलाना है. पर उस टाइम पे पापा थे तो इतना मैं टेंशन नहीं लेती थी कि संभाल लेंगे. मम्मी भी संभाल लेती थी. बाद में टेंशन होने लग गई कि अगर अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी. उस थॉट में जाते जाते मैंने जॉब शुरू कर दी. ऐसा नहीं था कि मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही थी या फिर मेरे को कुछ पैसे से दिक्कत था, ये था. बट मैं कर लेती हूँ क्योंकि मम्मी को भी ऑलरेडी घर पे मैं ऐसे नहीं देख सकती थी. तो मैंने बोला घर से बाहर ही निकलती हूँ थोड़ा ताकि उनको काफ़ी चीज़ें साथ में हो गई थी. पापा फिर ऐसा मेरा सब कुछ. तो मेरे को था कि मम्मी ऑलरेडी दुख में है, मेरे को देख के और दुखी होंगी. तो घर से थोड़ा बाहर जाती हूँ. तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली. तो यूट्यूब से अभी अच्छा खासा आ रहा है. तो अभी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो. अब ऐसा हो गया है कि यही करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है. मतलब इसने मेरे को उस टाइम पे सपोर्ट किया है जब मेरे को जरूरत थी मुझे क्या करना है लाइफ में. तब यूट्यूब था. तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी यूट्यूब. जब मेरी बात हुई थी आपसे आपने कहा था कि यू नो कोविड का टाइम वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन वन हैज टू गो थ्रू समथिंग लाइक दिस फॉर श्योर. आपको अपनी मॉम को भी संभालना था, आपको खुद को संभालना होता है, आपको घर को संभालना होता है एंड यू वॉन्ट टू बी द मैच्योर पर्सन ये सब में. उस दौरान हु वॉज योर बिगेस्ट सपोर्ट? उसके बाद आपने कैसे चीज़ों को संभाला है? मुझे लगता है इस एज में ना बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं होते अपने पेरेंट्स को ऐसे जाने के लिए. तो मेरे को एक हमारी लाइफ में मुझे नहीं पता कि बाकी सबको लगता है या नहीं लगता, बट मुझे ऐसा लगता है हमारी लाइफ में ना एक डर होता है बचपन से जिसको हम फेस नहीं करना चाहते. अब वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो. मेरे को सबसे बड़ा अपनी लाइफ में डर ये था कि मैं अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकती. तो मेरे को ऐसा था मेरे को उनको ऐसे नहीं देखना. पर मैंने वो फेस कर लिया. उसके बाद ऐसा हो गया कि अब तो लाइफ में कुछ भी आ जाए देख लूँगी. जो सबसे बड़ा डर था वही फेस कर लिया. तो अब किस चीज़ से डरूँ? कोविड के टाइम पे ऐसे काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिनको कोविड था और मेरे मम्मी पापा ने बोला था कि तुम जाओ उनके पास दवाई दो, मास्क पहन के जाओ या कैसे भी जाओ बट जाओ. पर जब पापा को था तब कोई आया नहीं था. तो ऐसा था उस टाइम पे कोई भी नहीं आया था और जिन लोगों से मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो भी नहीं थे. तो मुझे ऐसा था कि अब अकेले ही संभालना है. तो रात को 4-4 बजे मैं अलग जाती थी, मेरा भाई अलग जाता था और मम्मी को वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना उनका लेवल चेंज करना होता है कि कब किस प्रेशर पे देना है. तो उनको नहीं आता था वो.
तो यहाँ तो मेरे को रुकना पड़ता था या भाई को रुकना पड़ता था, तो हम रात को 4-4 बजे जाते थे और 24 घंटों की लाइनें होती थी वहाँ पे। अगर आपको न्यूज़ वगैरह में आया, लोग 2-2 दिन तक खड़े होते थे लाइन में, वो फैक्ट था। मेरा भाई 2 दिन के लिए खड़ा हुआ था। फिर मेरे को लगा ऐसे काम तो नहीं चलेगा, ऑक्सीजन तो डेली का चाहिए ही चाहिए। फिर मैंने निकाले थोड़े कॉन्टैक्ट्स, इंडिया में ऐसे काम नहीं बनता है। ये मुझे कोविड में समझ आ गया कि आप प्यार से काम तो नहीं करा सकते किसी से भी, कुछ भी कर लो। फिर मैंने थोड़े कॉन्टैक्ट्स वगैरह निकाले। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि मेरा अगर सिलेंडर वहाँ पे गया है ना, तो लोग खुद उसको उठा रहे हैं और भर के गाड़ी में रख रहे हैं। इस लेवल का सीन उस टाइम पे चल रहा था। और इस फैक्ट को तो मैं डिनाई भी नहीं करूँगी कि सब बोल रहे होंगे कि सबको मिल रहा था, किसी को नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ लोग थे जो 2-2 दिन लाइनों में खड़े हुए थे, और कुछ लोग थे जो सिर्फ ऐसी गाड़ी में सिलेंडर भरवा रहे थे। मैंने दोनों जगह पे देखा था। तो उसके बाद जब इतनी सारी चीज़ें देख ली, मई में ऐसा हुआ था, और उसके बाद था कि मैं ही हूँ घर की अब बड़ी, और मैं कमज़ोर पड़ूंगी तो फिर सब कमज़ोर पड़ जाएंगे। मम्मी भी हैं, और मेरा भाई का ऐसा है कि वो कुछ भी देख सकता है, वो मेरे को नहीं देख सकता रोते हुए या कमज़ोर पड़ते हुए। जब पापा का ऐसा हुआ था ना, तब उसने मेरे को याद है एल्विश को बोला था कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तू बस इसको संभाल लियो, मैं इसको नहीं देख सकता। तो बस जब इतनी सारी चीज़ें देख ली, और इंसान खुद स्ट्रांग हो जाता है जब आपको दिखता है ना कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप ही को करना है जो करना है, चाहे वो कोई भी हो, रिश्तेदार भी यार कितना आ जाएंगे घर में आपके, रोटी कोई 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, 1 महीना देगा, और कोई नहीं देगा। 1 महीने बाद सब बोल देंगे भाई कर लो कुछ खुद से। तो मेरे को पहले ही ये प्रिपेयर हो गई थी मैं कि किसी के आगे तो कुछ करना ही नहीं है, मेरे पापा ने मुझे ऐसा सिखाया नहीं है। तो मैंने अपना करियर पे थोड़ा उस टाइम पे फोकस करना चालू किया। मैं, मेरे को याद है मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी, और मेरी एक ब्रांड डील पेंडिंग थी, और ब्रांड जो था उसको समझ आ गया था कि नहीं बोलता, और मैं सबसे ऐसे डिस्कस कर रही थी यार मैं क्या करूँ, मैं नहीं डाल पा रही, क्योंकि मेरा था व्लॉगिंग कॉन्टेंट। अब मैं ही खुश नहीं हूँ तो मैं कैमरे पे आके दूसरे को क्या दिखाऊँ कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, नहीं दिखा सकते, पता चल जाता है सबको। तो मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगी कंटिन्यू, ऐसा उस टाइम पे हो गया था, छोड़ दे नहीं करना है, कुछ और कर लियो। पर फिर मेरे को सबने समझाया कि ये तेरा काम है, और वो भी नहीं चाहेंगे कि तू इसको छोड़े, क्योंकि वो शुरू से चाहते थे तेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़े, वीडियो क्यों नहीं डाली, मेरे को तू टीवी पे चाहिए, गाने में आ, पंजाबी गाने कर, ये कर, वो कर, उनका शुरू से ऐसा था। तो मेरे को लगा कि अब नहीं छोड़ सकती। तो विद इन अ मंथ मैंने व्लॉग डाल दिया था, राइट। उसके बाद से मतलब आज का दिन है, मैं ऑल्टरनेट डेज पे व्लॉग डाल रही हूँ, और यही है जो है, अब मुझे करना भी यही है। तो नो कूडोज टू यू, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम वेरी सॉरी यू हैड टू गो थ्रू दिस, बट आई कैन जस्ट से मैंने भी ये देखा है मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ होते हुए, और उस दौरान ना उस इंसिडेंट के बाद गॉड गिव्स यू सम काइंड ऑफ पावर, कि आपको अंदर से लगता है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, तो इससे ज़्यादा तो बुरा क्या ही होगा भाई। और आपको वो शक्ति आ जाती है कि आप लाइफ में किसी भी चीज़ का फेस कर सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा फेयर जो है वो आपने फेस कर लिया है। एक टाइम था मैं अपने घर की सबसे लाडली और शैतान बच्ची थी, अब मैं सबसे मैच्योर बच्चा हूँ घर का, सबसे मैच्योर बच्चा। बट वो लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि वो इंसान को वो मैच्योरिटी दे देता है। बट आई हैव टू से डिड दैट इंसिडेंट गेट यू एंड एल्विश क्लोजर, क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड ये मेरे साथ हुआ है, व्हेन माय बॉयफ्रेंड लॉस्ट हिज दादी। तो एक होता है ना कि आप फिर वो टाइम पे सपोर्ट ढूंढते हो और वो आपको मिल जाता है, तो दैट गॉट अस क्लोजर। दैट्स व्हाई आई आस्क यू दिस, दैट डिड दैट इंसिडेंट गेट यू वेरी क्लोज टू एल्विश? या मेरे को लगता है बॉन्ड पे ना फ़र्क नहीं आता है, पहले भी सेम था, उस टाइम पे भी सेम था। मेरे को सिंपैथी नहीं पसंद, नहीं सिंपैथी नहीं, सपोर्ट, कि ऐसे कुछ करे, और सपोर्ट मुझे चाहिए नहीं था। मैं इतनी पक्की हो चुकी थी कि मेरे को ऐसा था कि मैं देख लूँगी अकेले कुछ सब कुछ, अपने आप को भी, अपने इमोशंस को भी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि किसी के पास गई हूँ या मैसेज किया हो मुझे बात करनी है या मेरे को ऐसे परेशान हो रही हूँ मैंने किसी को मैसेज नहीं किया।
हाँ उसने उस टाइम पे सपोर्ट किया काफ़ी, पर मेरे एक्सपेक्टेशन ऐसे थे कि नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं बुरा लगवाने बैठ जाती ना तो मेरे को बहुत चीज़ों का बुरा लग जाता, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर ही करा। आई हैव टू आस्क यू दिस क्योंकि आई फील लाइक इट्स ओनली फेयर टू नो योर साइड। जब हम भी बात कर रहे थे आपने कहा कि हेट मिल रहा है एक तरह का, क्यों मिल रहा है और आप क्या वो चीज़ अफेक्ट होती है, कितनी होती है? एक टाइम ऐसा था जो बहुत होती थी, बहुत मतलब एक कमेंट सेक्शन पे कुछ भी आ गया ना तो रोना चालू कर देती थी मैं। बीच में ऐसा हो गया कि फ़र्क पड़ना बंद हो गया कि चलो ठीक है जो करना है कर लो। पर अभी ये जो बिग बॉस के बाद एकदम से आया ना, जब पता नहीं किसके किसके सबके फैन इकट्ठे, तो मेरे को लगा कि यार ये तो मैं फर्स्ट टाइम फेस कर रही हूँ, वो भी इतना ज़्यादा। जबकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ किसी को गलत बोला नहीं है, बट फिर भी अगर आ रहा है तो अब मैं दोबारा उस जोन में नहीं जाना चाहती थी कि मैं जीरो से स्टार्ट करूँ, कि मैं रो रही हूँ फिर मैं स्ट्रांग हो रही हूँ फिर मैं आगे। मैंने कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया मैंने कमेंट सेक्शन से वर्ड्स ब्लॉक कर दिए कि कर लो जो करना है, मेरे को जाना ही नहीं उस जोन में। आप जितना कोशिश करोगे मेरे को उस साइड डालने की, मेरे को नहीं जाना। हेट वगैरह से अब इतना फर्क नहीं पड़ता, कम पड़ता, क्योंकि जो लोग सपोर्ट करते हैं ना वो दिल से सपोर्ट करते हैं। जो लोग जानते हैं 2015 या 16 से, वो लोग मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के से दे सकती हूँ, वो आज भी हेट नहीं करते, वो अच्छे कमेंट्स ही करते हैं। पर जो एक होता है ना टाइम के साथ आपकी नई ऑडियंस आती है, तो वो पिछला सारा देख के तो आती नहीं है, तो वो बिना देखे सब कुछ बोल देते हैं। और मैं बस इतना बोलती हूँ कि पहले एक बार देख आओ फिर बोलना, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। यू नो जब मैं आपकी वीडियोस पे कमेंट्स पढ़ रही थी, अ लॉट ऑफ पीपल हैड टू से दैट शी सो स्वीट, शी सो मैच्योर, बहुत ही होमली वाइब है, बहुत ही गर्ल नेक्स्ट डोर वाइब है। है नहीं? नो है, नो वो है, बट देयर इज आल्सो वेरी स्ट्रांग साइड टू यू व्हिच आई फील। आर यू द स्वीट गर्ल हु आल्सो नोज कि कहाँ पे क्या चीज बोली है, कहाँ पे स्टैंड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है? वॉट इज कीर्ति ऑफ कैमरा बेसिकली? मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, हाँ, तो ये स्वीटनेस और ये ऐसा शैतानपना ये जाएगा नहीं, हाँ, ये तो खून में आ चुका है, हाँ। पर जहाँ तक रही कि स्ट्रॉन्ग कहाँ पे बनना है या स्टैंड कहाँ पे लेना है, ये मुझे जेन्युइनली 2021 के बाद में समझ आया। पहले मैं सिर्फ ऐसा होता ना शैतान बच्चा हंसता खेलता, ये सब चीज़ें, ये चाहिए तो चाहिए, मैं खाना छोड़ देती थी कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, राइट। पर अभी फिर टाइम के साथ ऐसा हो गया कि अभी मेरे को पता है कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखना है, कहाँ पे अपना स्टैंड लेना है, कहाँ पे प्यार से बोलना है, कहाँ पे काइंडनेस दिखानी है, और कहाँ पे बदतमीजी दिखानी है। नाउ कमिंग टू बिग बॉस, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने ये सीजन फॉलो किया है, नाउ दैट बिग बॉस इज ओवर, द विनर इज अनाउंस्ड, हाउ डू यू फील अबाउट इट? इट्स बीन द मोस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन जो आया है, 280 मिलियन वोट्स आए हैं वो 15 मिनट में, या आप उस इंसान को जानते हो, कैसा लगता है व्हेन कोई अपना जीतता है और कोई अपना इतने बड़े स्टेज पे आ जाता है? मेरे को जेन्युइनली बहुत बहुत अच्छा लगा था, जब फुकरा गया था तब भी अच्छा लगा था, बट जब ये गया तब और ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अपना कोई गया है और अभी ये जीत के ही आना चाहिए। हमारी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं वो एक अलग चीज़ है, प्रोफेशनल चीज़ें अलग चीज़ है, बिल्कुल। तो ये मेरे को लगता है वो उसका प्रोफेशनल वर्क है, तो उसमें तो जीत के आया तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मैंने वोट भी किया था करवाया भी था, हाँ, आपका सपोर्ट भी आया था, एंड वी हैड सीन दैट ओवर सोशल मीडिया। हु वर योर फेवरेट्स इन द हाउस बिसाइड्स फुकरा एंड एल्विश? आशिका, आशिका, बट वो बहुत शॉर्ट लिव था उसका। हाँ, मेरे को आशिका से, क्योंकि पहले कंट्रोवर्सी हो रखी है, तो मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि आशिका इतनी स्वीट होगी या फिर इतने प्यार से बात करती होगी। उसका बस ऐसा था कि एक होता है ना नॉर्मल, वो अपने घर पे बैठी हुई है, वो वैसे थी बिल्कुल, तो वो थोड़े से भी टाइम में ना मैंने उसको ऐसा ऑब्जर्व किया और मेरे को बहुत प्यारी लगी, मैंने उसे भी वोट किया था। यू नो अभी आप इंटरव्यूज दे रहे हो, काफ़ी लाइमलाइट में आ रहे हो बिकॉज यू बीन लिंक्ड विद एल्विश, कहीं ना कहीं वो चीज़ अफेक्ट होती है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यू नो आप वो फेम ले रहे हो, आप वो लाइमलाइट ले रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू। आपके दिमाग में ये सब के बारे में क्या चीज़ चल रही है? इस पे मैं सेम चीज़ यही बोलूँगी कि नई वाली ऑडियंस ही बोल रही है ये सब चीज़ें, जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रही है उनको पता है कि मैं इस इंडस्ट्री में 2016 से हूँ,
मेरा खुद का चैनल 2019 से है, तो मैं ऐसा तो नहीं कोई अजूबा हो गया और मैं एकदम से निकल के आ गई। इंटरव्यूज मैं पहले भी दे रही थी, मैं अभी भी दे रही हूँ, पर सबको मेरे को लग रहा है दिक्कत मुझसे है कि मैं क्यों दे रही हूँ या मैं क्यों आके बोल रही हूँ या फिर इतने टाइम तक क्यों नहीं कुछ बोली है ना। इंटरव्यूज बाकी सब लोगों ने भी दी है और YouTube का हॉट टॉपिक बन चुका था ये बिग बॉस। लोगों ने दिन की दो दो वीडियो डाली हैं, महीने की 30-30 वीडियो डाली हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोल दिया था कि मैं अब नहीं डालूंगी, और वो भी इसलिए डाली थी क्योंकि मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था कि आप जानते हो आप इतने टाइम से साथ थे, आप क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे। अब मेरे को ऐसा हो गया था मैं बोल रही हूँ, अगर मैं नहीं बोल रही तो भी इनको दिक्कत हो रही है, और अगर मैंने बोला तो भी इनको दिक्कत होगी। तो मैंने बहुत पोलाइट वे में बोला था कि मैं एक बार बोल रही हूँ, अब मैं नहीं बोलूंगी। पर ऑडियंस तो ऐसे कि 1.5 साल आप कहाँ थे। मैं उन लोगों को बस ये बोलना चाहती हूँ, 1.5 साल मैं यहीं पे थी। मैंने खुद अवॉइड किया था कुछ भी बोलना क्योंकि ऑफ कैमरा क्या चीजें चल रही हैं किसी को नहीं पता है। मेरे घर वालों को सब कुछ पता है A to Z कि पिछले 1.5 साल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, या ऑफ कैमरा क्या चीजें थी क्या नहीं थी। तो मेरे को किसी से कुछ डरने की जरूरत नहीं है। उसी के बेसिस पे मैंने वो सपोर्ट डाला था और दूसरा प्रोफेशनलिज्म भी था। प्रोफेशनलिज्म को आप हटा दो क्योंकि ये तो कोई समझेगा ही नहीं। पर्सनल लेवल पे 1.5 साल में जो भी चीजें हो रही थी किसी को नहीं पता, मैंने उसके लिए डाल दिया कि मैं उस चीज की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, पर बाकी सबको नहीं थी। और उन्होंने हेट पे ऐसे बोला कि क्यों डाल रहे हो, अब क्यों बोल रहे हो। तो अगर मुझे व्यूज लेने होते, अगर मुझे फॉलोअर्स लेने होते, मैंने टाइटल में कहीं लिखा नाम, टैग्स जाके देखोगे मैंने टैग डाला नहीं डाला। अगर मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली है तो मैंने क्या फोटो लगाई, मैंने रील्स डाली। पूरा इंस्टा पूरा यूट्यूब ये सब चीजें कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। और ये भी हटा दो, अगर मुझे ये चीजें करनी होती तो मैं इस 1.5 साल का जो गैप था ना उसमें मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मैं बहुत कुछ बोल सकती थी। मैं ब्रेकअप पे ही 100 वीडियो बना सकती थी, मैं बिग बॉस पे भी 100 वीडियो बना सकती थी। जब मैंने आज तक ये नहीं किया तो मैं आगे क्यों करूं। इस चीज को किसी को समझ नहीं आ रहा, सबको लग रहा है एकदम से आ गई। मैं एकदम से इसलिए आई क्योंकि मुझे एज अ क्रिएटर बुलाया गया, एज अ क्रिएटर काफी लोगों को बुलाया गया, सबने इंटरव्यू दिया, मैंने भी उसी तरीके से दिया। अब मैंने अगर सामने कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, मैं आपको बोलूंगी कि नहीं मैं इसका आंसर नहीं दे रही, ठीक है। जबकि आपको पता है कि मार्केट में अभी वही टॉपिक चल रहा है तो आपको पूछना पड़ेगा मुझसे। तो वैसे ही उन लोगों ने मुझसे पूछा, जबकि मैंने उन्हें बोला भी था कि आप थोड़ा ना कम रखना उस साइड पे, ज़्यादा मत रखना। वो उन्होंने किया भी, पर उनको वो टॉपिक भी कवर करना था। जब सब क्रिएटर के साथ कर रहे हैं तो मुझे भी क्यों छोड़ देंगे। मैं आपके लिए भी यही बोलूंगी, क्यों छोड़ दोगे, कहीं ना कहीं वो टॉपिक करोगे ना क्लियर। मैंने भी वही किया, पर सबको उस चीज़ की दिक्कत थी कि तू क्यों बोली, और नहीं बोली तो क्यों नहीं बोली। तो मैं तो पागल हो चुकी थी इस मामले में, मैंने कहा भाड़ में जाऊं। जिसको गाली देनी है ना उसको देनी है, अभी जिसको देनी होगी ना ये बात सुन के भी देंगे, जिसको समझ आ जाएगा, जो थोड़ा मैच्योरली सोच लेगा वो नहीं देंगे। कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी आई, क्योंकि इवन व्हेन एल्विश वाज इन द हाउस यू वर कंफ्यूज्ड अबाउट क्या हो रहा है, क्या सीन है। नाउ दैट एवरीथिंग इज ओवर, आर यू क्लियर इन द हेड व्हाट द सिनेरियो इज? क्लैरिटी तो मुझे नहीं थी, तो काफी चीजें ना बोलने का रीजन भी ये था कि मुझे कभी क्लैरिटी मिली ही नहीं। तो लोग मुझे आके कुछ भी बोल देते, धोखा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। अरे भाई, मैं उस इंसान को तब से जानती हूँ जब यूट्यूब पे हम थे ही नहीं। मैं धोखा दूंगी, मैं फेम और पैसे का सोचूंगी। अब मिली है मुझे, बिग बॉस में जाने से पहले भी नहीं थी कोई क्लैरिटी। मुझे बिग बॉस में अंदर जब गया है तब मुझे पता चला कि थोड़ी बातें मेरी करी है और फिर और किसी की बातें करी है, वो मुझे पता ही नहीं किसके लिए करी है। तो मैं भी क्लैरिटी में नहीं थी, और जो है वो भी क्लैरिटी में कहीं ना कहीं नहीं है। तो जब मुझे ही कुछ नहीं पता तो मैं ऑडियंस को आके क्या बोलूं, क्योंकि बिग बॉस में जाने से पहले तो ऐसा कुछ मेरे सामने आया ही नहीं कभी। आई ऑल्सो हैव नोटिस्ड यू हैव अ लॉट ऑफ टैटूज। व्हाट आर योर टैटूज अबाउट? या ये मेरा फर्स्ट टैटू था, ये पापा के लिए था। ये उनको फ्रेंच बहुत पसंद थी कि मैं पढ़ूं, तो ये मैंने अपनी हैंड राइटिंग में नीचे आप ऐसे दिखा सकते हो क्या, ऐसे लिखा था, ठीक है। ये सेकंड टैटू था, ये डॉग और कैट है। या इज देयर अ मीनिंग? हाँ, नहीं ऐसे बनवा लिया मैंने। अच्छा छोड़ो
और ये है ऐसे रेजिलियंस, इसका मीनिंग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग और अपने ऊपर लगता है तो मैंने बनवा लिया. एक मेरे बैक पे है और एक ये रिंग फिंगर पे है. ओके. और एक यहाँ पे एंकल पे. ये वाला अच्छा है. ओह, टैटूज का शौक आपको बहुत? नहीं, शौक नहीं है. मैं फर्स्ट ये था, हाँ, सेकंड ये था, थर्ड ये था, हाँ, बाकी तीन एक ही बार में फोर्थ थे. हाँ, एक ही दिन में करवा लिया. एक दिन मैंने मम्मी को बोला कि नजर उतार दो, नजर बहुत लगती है मेरे को, कहीं पीछे सूर्य देव बनवाए ना उनसे उतरवा ले. इतनी खुंदक में थी, कितने टैटू बनवाएगी कि क्यों जरूरत है तेरे को, जब इस टैटूओं से बनवा. तो वैसे ही स्पॉन्टेनियस डिसीजन था बहुत ज्यादा. बर्थडे पे बनवा लिया. आप बिग बॉस के बहुत ही एविड वॉचर रहे हो. हाँ, मैंने बचपन से देखा. कौन सा फेवरेट सीजन कौन सा था? बहुत ऐसे एपिक सीजन थे जो मेरे फेवरेट थे. ऑब्वियसली सिद्धार्थ शुक्ला वाला तो वो बेस्ट था. मुझे इनाम खान वाला भी पसंद था. आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वुड यू गो इनसाइड द बिग बॉस हाउस? वुड यू प्रॉब्ली वांट टू शिफ्ट टू मुंबई सम टाइम फॉर योर करियर? ऐसे कोई भी प्लान्स है फ्यूचर के? अभी मैं फ्यूचर इतना लेके चल नहीं रही हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ अगर मेरे सामने आएंगी तो. मैं काफ़ी चीज़ें ना, मैं काफ़ी चीज़ें छोड़ चुकी हूँ, चाहे वो सीरियल्स हो या फिर कुछ भी हो. अच्छा, आपको ऑफर्स आए हैं? यस, पर बट मैंने छोड़ दिए. हाँ, वो दूसरे रीज़न थे. hmm. पर मेरे को लगता है कि अब मैं नहीं छोड़ूंगी, करूँगी अगर अच्छा हुआ तो. मैं ऐसे नहीं चाहती कि कोई भी ऐसे आया कुछ बड़ा और बिना सोचे समझे हाँ बोल दूँ और वो मेरे लिए फ्रूटफुल ना हो. हाँ, बट यू आर ओपन टू बिग बॉस? हाँ, कहीं ना कहीं कोई तो मेकर्स देख लेगा. कोई तो सुन लेगा. आपने कहा था कि यू आर अ बिग फैन ऑफ अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स, स्पेशली प्राजक्ता कोहली. हैव यू एवर मेट हर? हाँ, हमारा एक इवेंट था, हमारा फर्स्ट इवेंट था जो अपने ही कॉलेज में था, हंसराज कॉलेज में. ओके. तो वहाँ पे प्राजक्ता भी आई हुई थी. उनका जो सेशन होता है, ऐसा स्पीकर सेशन जो होता है, वो हमसे पहले था. तो हम लोग सारे साथ में बैठे हुए थे. ऐसा वन टू वन कभी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, बट हाँ ऐसे देखा ऐसे. अच्छा, कभी पर बात नहीं हुई? नहीं, बस वैसे हो रहा था कि हम लोग नीचे थे तो वो स्टेज पे से ऐसे होता ना, हंसी मजाक वैसा चल रहा था. थैंक यू सो मच. इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड ओपनिंग अप. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ग्रेट फ्यूचर, बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल विद वट एवर यू फेस्ड. थैंक यू. थैंक यू गाइज. डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंस्टेंट बॉलीवुड एंड कीर्ति मेहता.